आज सबसे बड़ा खुशी अंदर से लग रहा है, कार सेवक वाला फील आ रहा है। उस समय के लोगों ने जो कार सेवक की थी, ये जत्था राम भक्तों का देख करके कार सेवक का फील आ रहा है कि क्या उस समय का भगवा मैं और राम मैं हुआ होगा। राम मंदिर बनने के खुशी में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समाज में बेहद उत्साह का माहौल है। सौ वर्षों के संघर्ष के बाद आज वो दिन आया है। मुझे 6 दिसंबर 1992 का भी वो दिन याद है और 22 अक्टूबर 1990 का भी दिन याद है। और हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर राम जी के झंडा को लहराएंगे और वहाँ से बाकी मंदिरों को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। जोहार, इस वक्त खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन में और यहाँ का नज़ारा आज बिल्कुल राममय हो गया है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज यहाँ से लगभग 1300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो रामलला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि ये तमाम लोगों को बेहद ही कम खर्च पे भाजपा जो है यहाँ से अयोध्या तक का सफ़र करवा रही है। उनके रहने खाने तक के तमाम इंतजाम भाजपा के लोगों के द्वारा किए गए हैं। भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो रांची के, वो तमाम लोग पहुँचे और उन्होंने पुष्प वर्षा कर तमाम जो लोग हैं उनको जो है ट्रेन के लिए विदा भी किया। अब ऐसे में हम ये जानने पहुँचे हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है, तो ऐसे में क्या ये राम जो हैं जिनका इंतजार लगभग हमें 500 सालों से था, तो अब क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन रहा है और जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं वो इसे अपने लोगों को आकर्षित करने में भी यूज करें, या फिर यहाँ जो लोग आए हैं उनमें आस्था है और आस्था के कारण भी वो भगवान राम के दर्शन को जा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए जो हम लोग को व्यवस्था दी गई है आस्था ट्रेन, उसका हम लोग भरपूर ये आनंद लेंगे और बहुत जोश के साथ हम लोग जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने। इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। धन्यवाद। तमाम इंतजाम जो है वो भी भाजपा कर रही है। हाँ, इसके लिए क्या बोलेंगे भाजपा? बस भाजपा फिर झारखंड में भी भाजपा का परचम लहराए, यही कहेंगे। बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है आज की 22 तारीख को आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का राज प्रतिष्ठा हुआ। 500 सालों का संघर्ष खत्म हुआ। आज सबसे बड़ा खुशी अंदर से लग रहा है, कार सेवक वाला फील आ रहा है। उस समय के लोगों ने जो कार सेवक की थी, ये जत्था राम भक्तों का देख करके कार सेवक का फील आ रहा है कि क्या उस समय का भगवा मैं और राम मैं हुआ होगा। सौभाग्य का विषय हम लोगों के लिए, सौभाग्यशाली हूँ कि श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने आज पहली ट्रेन जो आस्था एक्सप्रेस चल रही है वो जा रही है और हम लोग 1328 लोग जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए। अति खुशी है श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए। हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। कितने लोग अकेले हैं ये पूरी फैमिली के साथ? नहीं, हम पूरे अपना भाजपा परिवार है, हम लोगों का भाजपा परिवार है। हम लोग पहले तो 32 लोगों को, हम लोगों का मंडल का परिवार है, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भाजपा काफ़ी कुछ जो है इंतजाम कर रही है, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो इंतजाम है उसको लेकर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा अद्भुत व्यवस्था है, जाने का, आने का, रहने का, खाने का, ठहरने का, ट्रेन में कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। भाजपा का बहुत अच्छा इंतजाम है कि जो नहीं जा पाते वो भी जा रहे हैं, भी गरीब अमीर जो भी है सबको जा रहे हैं, सबको मिल के जाएंगे, अच्छा लगेगा। हम लोग का मोदी जी का देन है जो इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आज हम लोग सभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। देखिए, कहीं यहाँ पर कई युवा भी हैं जो राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, युवा वर्ग में भी उत्साह देखा जा रहा है राम मंदिर को लेकर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, युवा राम जी का भक्ति में युवा, वृद्ध, बच्चा ऐसा नहीं देखा जाता है। राम तो सबके हैं और राम मंदिर बनने के खुशी में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समाज में बेहद उत्साह का माहौल है। कितना इंतजार था, प्लानिंग था कि मौका मिल गया तो चले जा?
जा रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत इसके आंदोलन में छोटा बड़ा योगदान सभी लोग दिए, हम लोगों का भी रहा। कितना आपको मतलब ये था, इंतजार था, प्लानिंग किए थे जाने का, या फिर मौका मिला बीजेपी की तरफ से कम खर्च में जाने का तो जाने? नहीं हम लोग का योजना था ही, पहले से ही योजना था, पर वहाँ चूंकि सुरक्षा का कारणों से हम लोगों को अनुमति नहीं मिल रही थी, पर जैसे ही हम लोगों को मौका मिला, अवसर मिला, तो इस अवसर को हम लोग बिल्कुल दोनों हाथों से बनाने का कोशिश किए। रामलला से क्या मांगने वाले हैं? बस रामलला से मांगना नहीं है, बस रामलला का दर्शन कर लेना है, और अपना रामलला का दर्शन में ही अपना भाग्य हम लोग मान लेंगे। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? जा रहे हैं, कुछ घंटे की देरी है, उसके बाद राम दर्शन होने वाला है। बस बहुत दिन से इंतजार था, हम लोग शुरू से लगे हुए थे इसमें, प्रचार से लेकर शुरू, जिससे संघर्ष का समय था। उम्र तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन देखते आए हैं सुबह शुरू से ही क्या संघर्ष किया है, हम लोग का बाप दादा लोग क्या संघर्ष किया, हम लोग भी देखते आए हैं। और उसे प्रचार में आपका वो कलेक्शन करने में उसमें भी सहयोग था, अभी इसका फिर से निमंत्रण देने में भी सहयोग था, तो शुरू से ही लगे हुए हैं हम लोग, और बहुत आस्था था वहाँ पहुँचने के लिए। भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के लिए तो देश का वो दशा और दिशा सब तय करने वाला भाजपा साबित हो रहा है। हम लोग तो देखिए बहुत ज़्यादा तो कोई पार्टी पे ही नहीं करते हैं, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी के लिए जो बना के जा रहे हैं, और जो विकसित देश का जो कल्पना हम लोग सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी होने के नाते, उसको हम लोग को साकार कर देते हैं। 500 साल का इंतजार ख़त्म करवाया, अब उसके बाद भाजपा के द्वारा तमाम जो लोग हैं उनको दर्शन भी करवाया जा रहा है। देखिए हम ये नहीं सोच सके थे कि अपने जीवन में दो चीज़ के लिए, एक राम जन्म स्थान अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना, और दूसरा 370 धारा हटना। लेकिन ये ईश्वरीय कृपा है, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज वो दिन आया है। मुझे 6 दिसंबर 1992 का भी वो दिन याद है, और 22 अक्टूबर 1990 का भी दिन याद है, जब हमारे उस समय के तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी जब सागर से सरयू तक यात्रा निकले थे, माने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा, तो उस समय मैं भी रथ के प्रभारी था, और हमारी समस्तीपुर में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने गिरफ्तार किया था। उस समय भी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जहां राम का जन्म हुआ मंदिर वहीं बनाएंगे। ईश्वर ने मोदी जी को निमित्त बनाया है, और मोदी जी के नेतृत्व में ये रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और ये आस्था का सैलाब। देखिए किसी भी आयोजन में किसी एक प्रदेश का, किसी एक क्षेत्र का योगदान होता है, लेकिन राम ऐसे हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जरा राममय माहौल हो गया। खुशी तो बहुत है, और हम लोग अति उत्साहित हैं, अति खुशी हैं हम लोग। आज हम लोग को मतलब प्रभु राम जी का मतलब बुलाहट है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। रांची महानगर से, रांची जिला से बहुत लोग जा रहे हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, बहुत लोग हम लोग सब मिल करके जा रहे हैं। साथ में हमारे साथ राम लखन साहू, हजारी प्रसाद साहू और नरेश साहू जी सब साथ मिल के हम लोग जा रहे हैं। बस में हमारे कोच में बैठे हैं सारे हमारे सहयोगी, और हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर राम जी के झंडा को लहराएंगे, और वहाँ से बाकी मंदिरों को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा के लिए क्या बोलेंगे? भाजपा जो है राम मंदिर भी जो है वो अब बन के तैयार है, और उसके बाद जो है दर्शन भी करवा रही है। ये भाजपा नहीं बोलेंगे, पूरा मैंने देश का ये जय जयकार है। ये हम लोग का RSS और पूरा टीम जितना है यहाँ, पूरा मैंने हिंदू भाई सभी के ये है। इंतजार था कि रामलला के रामलला का हाँ दर्शन करने का हम लोग टाइम आ गया है, अब हम लोग कर रहे हैं। यही हम लोग 5 साल का पूरा कर, भारत का मंदिर नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र का मंदिर है, पूरे विश्व का मंदिर है। ये कोई भी आकर के हमारे रामलला को दर्शन कर सकते हैं, और सनातन को अपना सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इंट्रोड्यूसिंग Himalayan International Residential School, nestled in a lustrine 120-acre campus between Siliguri and Jalpaiguri town. Unlock your academic potential and exceed your expectations with our innovative curriculum and exceptional faculty. Discover your passion and unleash your energy with a diverse range of sports, games and co-curricular activities. Experience a home away from home at a welcoming and secure boarding facility. Awarded as one of the best co-ed boarding school in West Bengal, choose Himalayan International Residential School.